दोस्तों नमस्कार, कैसा रहा आज का दिन? इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं महेंद्र मिश्र, और कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम जो हमारे मेहमान हैं उनसे परिचय कर लेते हैं। जेपी सिंह हैं, इलाहाबाद से कानून के मामलों के जानकार हैं। उसके बगल में सिद्धार्थ जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और सोशल जस्टिस के मसले पर महारत हासिल है और एक्टिविस्ट की भूमिका में भी रहते हैं। नीचे प्रोफेसर रविंदर गोयल जी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, और शशिकांत जी इसमें आगरा कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और वाईएस गिल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में रहे हैं और कई पेपर्स में रहे हैं। तो हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और जैसा कि इस कार्यक्रम का अपना जो फॉर्म है उसमें पहले कुछ खबरें रखी जाती हैं, उसके बाद कुछ खबरों पर बातचीत होती है। तो मैं बता दूं, आज तीन महत्वपूर्ण खबरें हैं जिस पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक तो कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ी पहल की है, जिसमें उन्होंने जाति जनगणना का फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने इसको खारिज कर दिया था, स्टेट के स्तर पर लागू होने जा रहा है। और इसमें खास बात है कि सारी पार्टियां शामिल हैं, उसमें बीजेपी भी शामिल है जो केंद्र के स्तर पर उसका विरोध कर रही है। इस पर बातचीत करेंगे। और इसके अलावा एक बातचीत होगी जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी के मामले में घेरा गया है, तो उस पर जेपी सिंह जी अपनी रिपोर्ट रखेंगे, किस तरह से देखा जाए पूरे मामले को, और सरकार का जो रुख है, जो पहल है, वो उसके पीछे क्या वजहें हैं। तीसरी खबर है, हार्दिक पटेल जो है बीजेपी में शामिल हो गए, जो कांग्रेस में थे उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था कांग्रेस ने, इस पर भी हम थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश करेंगे कि अहमदाबाद से कोई अगर जुड़ सके तो लेने की बात होगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ खबरों से, जिसमें कि शशिकांत जी से चाहेंगे कि कुछ खबरें, आज की महत्वपूर्ण खबरें और जो है रखें, और फिर बात को आगे बढ़ाई जाए। शशिकांत जी, उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार। और हम लोगों के बीच में वरिष्ठ पत्रकार रामशरण जोशी जी भी ज्वाइन कर लिए हैं, और उनको भी नमस्कार। और मेरे पास जो खबरें हैं उनमें सबसे पहले मैं रखना चाहूंगा जो कि अभी जो हत्या हुई थी गायक जो सिद्धू मूसेवाला, उसके बाद जो है 424 वीआईपी सुरक्षा में कटौती की गई थी, उस पर हाईकोर्ट सख्त हुआ। और उसके बैकग्राउंड में वहां की आप सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने 424 वीआईपी सिक्योरिटी को बहाल करने की बात कही है। तो ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को आज फटकार लगाई, और इसके बाद सरकार बैकफुट पर आई और मान सरकार ने हाई कोर्ट को बतलाया कि सभी की सुरक्षा अस्थाई तौर पर वापस ली गई थी, अब 7 जून तक सुरक्षा बहाल कर दी जाएगी। ये एक खबर है। अगली खबर है जहां कि हार्दिक पटेल जो भारतीय जनता पार्टी में आज उन्होंने ज्वाइन किया है, कांग्रेस के पाटीदार नेता थे, और इसको लेकर के कहा जा रहा है कि ये किस प्रकार से वहां के चुनावी समीकरणों को भाजपा के पक्ष में करने की कोशिश करेंगे, आने वाले वक्त में देखना होगा। तो एक अन्य ये खबर है। और एक अन्य खबर है जो राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के, भाजपा तो नहीं लेकिन कांग्रेस ने खास तौर से हरियाणा में और राजस्थान में उसने अपने विधायकों को अलग अलग स्थानों पर भेजने की कवायद, जिससे उनकी एक तरह से खरीद फरोख्त न हो सके, हॉर्स ट्रेडिंग न हो सके। और इस क्रम में ये खबर है कि कांग्रेस ने हरियाणा के 28 विधायकों को रायपुर में भेज दिया है, एक अलग होटल में उनको अलग करके। और इसी के साथ उदयपुर में भी राजस्थान में कांग्रेस के विधायकों को एक होटल में जो है वो रखा गया है, जिससे कि वो क्रॉस न कर सके, इनकी वोटिंग क्रॉस ना हो सके। तो ये महत्वपूर्ण है कि खासतौर से विपक्षी खेमे के विधायकों के हंटिंग, अगर वर्ड यूज किया जाए तो एक प्रकार की हंटिंग होती है, जिसमें कि उनको खरीद फरोख्त होती है और वो अपने पार्टी लॉयल्टीज को क्रॉस करके और वो मतदान करते हैं। और इसको लेकर के एक अन्य खबर है जिसमें कि सोनिया गांधी को कोरोना होने की खबर बताई जा रही है, और वो प्रधानमंत्री ने उनको स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। और अगली खबर है जिसमें कि अभी तक ईरान में, विदेश से जुड़ी खबर है, जहां की अफगानिस्तान में, सॉरी ईरान नहीं, अफगानिस्तान में भारत के विदेश मंत्रालय ने वहां जेपी सिंह ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है उनके नेतृत्व में वहां एक विदेश ने दल भेजा है,
जो कि फॉरेन रिलेशंस को और चीजों को खासतौर से तालिबान के टेक ओवर के बाद उनको नए सिरे से एक्सप्लोर करने की कि कैसे वहां पर अपनी जमीन और वहां संबंधों को दोबारा जो है नॉर्मलसी की ओर लाया जाए, वो एक कोशिश है। उत्तर प्रदेश से एक खबर है जहाँ की एक समिट हो रही है जहाँ की बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 80,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिसमें इसमें जो कैपिटल वर्ल्ड के बिग कैपिटल के बड़े जो बिग विग्स हैं, गौतम अडानी, कुमार मंगलम बिड़ला, सज्जन जिंदल, अनंत अंबानी और ये सारे लोग इसमें भाग लेने की बात कही जा रही है। अब ये देखना होगा कि पिछले दिनों में उत्तर प्रदेश में तमाम समिट्स हुए हैं जिसमें हजार करोड़, कई हजार करोड़, कई लाख करोड़ इस तरह की प्रोमिसेस हुई हैं, लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार के द्वारा कोई एक आंकड़ा नहीं उपस्थित किया गया है कि वास्तविक इन्वेस्टमेंट या वास्तविक निवेश का स्वरूप क्या है, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो या पब्लिक सेक्टर के द्वारा। अब आज के दौर में सरकारी निवेश की बात तो अलग है क्योंकि उसका एक प्रारूप अलग होता है और उनमें लगातार कमी आ रही है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट जिसकी प्रोमिसेस की जाती हैं उनकी वास्तविक हकीकत क्या है, उससे हम लोग पूरी तरह से अनभिज्ञ रहते हैं, जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी घटनाएं एक इवेंट मैनेजमेंट और एक चुनावी प्रचार की दृष्टि से ही देखी जाती हैं, क्योंकि वास्तविक अर्थों में उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोजेक्ट या बड़ा रोजगार सृजन के प्रयास या कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी में उत्तर प्रदेश का जो भागीदारी है उसमें हाल के दिनों में बढ़ोतरी हुई हो, ऐसा नहीं दिखाई देता। तो ये सारे जो पिछले 800 वर्षों में जो समय समय पर इवेंट मैनेजमेंट होते हैं उसका प्रतिफल क्या है, उससे उत्तर प्रदेश का नागरिक समाज पूरी तरह से अनभिज्ञ है और ये एक चिंता का विषय होता है। ये सारी खबरें थी मेरे पास। महेंद्र मिश्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया शशि भाई। कुछ खबरें और हैं। आज बड़ी खबर फिर एक आ रही है, देखिए वहाँ कश्मीर से कुलगाम में वहाँ एक बैंक एम्प्लॉई की हत्या कर दी गई है। विजय कुमार उनका नाम था, राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले थे वो, और वो हत्या जो है आज दिन में हुई है। और ये उसी कुलगाम में कल जो है रजनी बाला की हत्या हुई थी जो कि वहाँ टीचर थी, तो उनकी भी हत्या हुई। कुछ दिन पहले राहुल भट्ट की हत्या हुई थी, उसके पहले जो एक टीवी कलाकार की हत्या हुई, उसके पहले एक प्रिंसिपल थी उनकी हत्या हुई थी। तो लगातार हत्याओं का सिलसिला जारी है। और आज अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्होंने बैठक की है, उसमें जो अजीत डोभाल हैं जो सुरक्षा सलाहकार है, इसके अलावा रा के चीफ हैं सामंत वो थे, और अरविंद कुमार जो आईबी के चीफ हैं, तीनों ने उस बैठक में हिस्सा लिया है। और कहा जा रहा है कल जो है एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है जिसमें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी आएंगे और शामिल होंगे और पूरे मामले को देखा जाएगा। महत्वपूर्ण यह घटना इसलिए हो जा रही है कि 2 सप्ताह बाद जो है वहाँ उसकी एक यात्रा होनी है, धार्मिक यात्रा जो बोली जाती है, उसका क्या नाम मैं भूल रहा हूँ, अमरनाथ की यात्रा, अमरनाथ की यात्रा, तो यात्रा होने जा रही है। उसके पहले इस तरह की अगर वहाँ हिंसा की घटनाएं हो रही हैं तो समझा जा सकता है कितना महत्वपूर्ण मसला है कश्मीर का और सरकार के लिए कितनी परेशानी का सबब बन गया है। इसके अलावा जो है केजरीवाल ने कहा है कि मैंने पहले जिस तरह से शक जताया था कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो सकती है और उसी तरह से गिरफ्तारी की गई है, और उनके विश्वस्त सूत्र कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में सिसोदिया की भी गिरफ्तारी हो सकती है और सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा सकती है। तो उन्होंने अपील की है प्रधानमंत्री से कि उनको जो है पूरे हमारे जो कैबिनेट है, हमारे जितने मंत्री हैं, जितने MLA हैं, सबको गिरफ्तार कर लेना चाहिए और सबके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए, उसके लिए जो है सरकार तैयार है। इसके अलावा एक बड़ी खबर है अल्ट न्यूज के जो है मोहम्मद जुबैर जो को फाउंडर है अल्ट न्यूज के, सीतापुर में उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है और उसमें उन्होंने ट्वीट किया था जिसमें हेट मॉन्गर जो है कहा था, जो इनके कुछ संत हैं यति नरसिंहानंद और इसी में एक और नाम कोई हनुमान करके हैं, उनका नाम उसमें लिया था। और वो शख्स है जो खुलेआम मस्जिद के सामने कहा था कि हम जो मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करेंगे और बाद में माफी मांग रहा था, उसका नाम लिया था हेटमांगर के तौर पर, घिड़ा फैलाने वाले शख्स के तौर पर। उस मामले में जो है को फाउंडर के खिलाफ जो है FIR दर्ज हुई है। ये कुछ खबरें थी। और जो है एक खबर है महाराष्ट्र से, वहाँ की एक स्पेशल कोर्ट ने साकीनाका की वहाँ एक अपराधी को मौत की सजा दी है जिसमें उसने दलित महिला के साथ रेप किया तो बाद में उसकी हत्या कर दी थी। बड़ा फैसला आया है, मौत का फैसला, जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के तौर पर उसको चिन्हित किया है स्पेशल कोर्ट के जज ने। तो ये कुछ खबरें थी। अगर किसी के पास और खबर हो एक दो तो रख सकता है, बाकी हम आएंगे अब अपने जो मुद्दों पर जिस पर हमको बात करनी है। जी, किसी के पास कोई खबर हो तो रख सके, नहीं फिर बढ़े आगे। तो
मैं सबसे पहले आऊंगा, क्योंकि बड़ा मसला है पूरे देश के लिए, राजनीति से जुड़ता है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी ने जो सम्मन जारी किया मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, 8 जून को उपस्थित होने की उसमें बात कही गई है। इस मामले पर आते हैं, और इस पर सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जेपी सिंह, जो कानून के मामलों के जानकार हैं, और इस मसले को, ये मसला क्या है, कितना गंभीर है, इसके पीछे कितनी जो है राजनीति है और कितना जो है सच है, इसको बताने की कोशिश करें। जेपी सिंह जी, देखिए आप सब लोग अखबार से ही जुड़े लोग हैं और जो है वो खबरों के बीच में रहते हैं, तो काफी चीजें आप लोगों के संज्ञान में आती रहती हैं। जहां तक मेरी समझ है, ये इतना सरल मामला नहीं है ईडी का जो सम्मन जारी हुआ है। इसको आप जो राजीव गांधी की हत्याकांड में दंडित हुआ है पेरीवलन, वो जो मतलब फांसी की सजा जिसको मिली थी, जिसको फिर सदाशिवम ने उम्र कैद में बदल दिया और अब उसको रिहा कर दिया गया है, तो आप लोगों को ये जानकारी होगी कि MDMA जो बहुआयामी जांच एजेंसी है, आपके CBI के नेतृत्व में, वो जांच कर रही है साजिश के एंगल का। जो जैन जो है समिति, जो जस्टिस जैन की समिति थी जिसने इस पर जो सिफारिश की थी कि इसकी और आगे जांच की जाए गहराई से, तो उसकी जांच की है और ये सब 31 साल से चल रहा है। अभी जब ये पेरीवलन का मामला 2-3 साल से जब सुप्रीम कोर्ट में चला, तो उसमें हुआ कि साहब MDMA की जांच क्या है, ये क्यों नहीं पूरी हो रही, अभी तक क्या हो रहा है। और उसमें पेरीवलन ने पहले एक रिलीफ ये भी मांगी थी कि जब तक MDMA की जांच चल रही है तब तक हमारी सजा निलंबित कर दी जाए। तो 2020 में उन्होंने 2019 में स्टेटस रिपोर्ट मांगी, तो 2020 में MDMA ने जो स्टेटस रिपोर्ट दी उस पर कोर्ट नाराज हो गई। कोर्ट ने कहा कि तो जो पिछली आपकी स्टेटस रिपोर्ट है वही है। इस पर जो है आपके सॉलिसिटर जनरल साहब, संभवतः ही तुषार मेहता साहब, ने कहा कि जांच हमारी पूरी मुकम्मल हो गई है, केवल 2-3 देशों में अनुरोध पत्र भेजा गया है, उसका जवाब आ जाएगा, तो हम जो है बहुत जल्दी जो है इसकी रिपोर्ट हम कोर्ट के सामने रखेंगे। लेकिन अभी 2022 है और अभी तक जो है वो क्या कहते हैं, वो रिपोर्ट आई नहीं। उसी तरह जिस तरह PMLA का मामला जो चल रहा है चिदंबरम साहब उनके लड़के पर, एयरसेल मैक्सिम का, उसमें भी मामला यही है कि उसमें जो है इन्होंने सिंगापुर और कहां कहां जो है अनुरोध पत्र भेजा है और उसका 3 साल हो गया, 4 साल, तब अभी तक जो है उसका कोई रिस्पॉन्स उन देशों से नहीं आया है। असली बात यह है कि देखिए 2012 या 13 में सुब्रमण्यम स्वामी, जो राजीव गांधी की हत्या के एक प्रमुख किरदार आपके, जिन पर जांच भी चली थी, जिन पर मुकदमा भी चला था, चंद्रा स्वामी के पट शिष्य थे। पट शिष्य समझिए या चाहे बहुत परम मित्र समझिए। मेरी जानकारी के अनुसार चंद्रा स्वामी के यहाँ जब चंद्रशेखर जी की सरकार थी, उसके पहले जब बीपी सिंह की सरकार थी, तो उसमें जो है जो 4 लोग परमानेंट वहां बैठ करके ताश खेलते थे, चंद्रा स्वामी बैठे रहते थे और 4 लोग जो है वहीं बैठ करके जो ताश खेलते थे, उसमें नरसिम्हा राव साहब थे, चंद्रशेखर थे, सुब्रमण्यम स्वामी थे और अमृत बाजार पत्रिका के मालिक तुषार कांति घोष साहब थे। ये 4 लोग नियमित रूप से यहाँ घंटा 2 घंटा 3 घंटा चंद्रा स्वामी के यहाँ बैठते थे। तो अब चंद्रा स्वामी जब इसमें फंसे थे, तो उसमें सुब्रमण्यम स्वामी तो तमिलियन है और अभी भी तमाम जो है वो जिस तरह की बात करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं साजिश में जो है तो सुब्रमण्यम स्वामी का भी नाम आ सकता है, DMK का आ सकता है, ADMK का आ सकता है और वहां की पार्टियों का आ सकता है, उसका BJP में भी कुछ लोग हो जिनका आ सकता है, क्योंकि BJP ने जिस तरह सदाशिवम को राजीव गांधी के हत्यारे और बलवंत सिंह राजोआना जिनको फांसी हुई थी उनको और वहां पंजाब के और आतंकियों को सबको इन्होंने मानवीय आधार पर उम्र कैद में सजा बदल दी थी, और उनका बदलने का मुख्य मकसद जो है वो तमिल जो फंसे थे आपके फांसी की सजा में, उनकी सजा को उम्र कैद में बदलना था कि साहब उसमें बहुत देरी हो रही है क्षमा याचना के याचिका को डिसाइड करने में, इसलिए इनको बड़ा इनके साथ जो है अन्याय हुआ, इसलिए इनको अब उम्र कैद होगी। फिर अब उम्र कैद से भी छूट गए। सदाशिवम को इन्होंने वहां का गवर्नर बना दिया केरल का, और इस मामले में भी केंद्र और राज्य में जो है नूरा कुश्ती चलने लगी कि क्षमा कौन करेगा, केंद्र जो है राष्ट्रपति के माध्यम से करेगा कि राज्य गवर्नर के माध्यम से करेगा। तो कुल मिला के ये था कि जो है वो कोर्ट ने इतनी नूरा कुश्ती देखते हुए MDMA को माइनस करके, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हम केवल इस आधार पर इनको छोड़ रहे हैं कि जो ये गवर्नर
और जो राज्य जो मतलब राज्य मंत्रिमंडल ने जो गवर्नर को सिफारिश भेजी, या जो है केंद्र इसमें किसका अधिकार है किसका नहीं है, तो ये नूरा कुश्ती चल रही है। इसलिए जो है हम इसमें क्या कहते हैं इनको जो है 142 का उपयोग करके उन्होंने उनको छोड़ दिया। जेपी सर, इसमें जो नेशनल हेरल्ड है सुब्रमण्यम स्वामी का जो 2000, सुन तो लीजिए आप। जी जी अरे हम बता रहे ना, तो जरा हमने कहा विस्तार से बता दे जो अपनी बात है जी, ये हम उस पर नहीं बता रहे हैं। बात यह है कि इस समय मामला ये है कि जिस तरह एमडीएमए का रिपोर्ट का मामला फंस गया है, तो हो सकता है कि कोई कांग्रेसी या कांग्रेस का वकील सुप्रीम कोर्ट में ये कहे कि साहब इसको आप जारी कीजिए, जैन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको जारी कीजिए, तो उसमें तमाम लोग फंसेंगे। तो पहले ही से इनको झड़ाने फुकाने में लगा दो आप। जिस तरह का जो है इन्होंने डॉक्यूमेंट आज कल कांग्रेस के लोगों ने जारी किया है, उसमें कहीं से भी ये मामला नहीं बनता। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पीएमएलए के जितने भी मामले हैं उसमें सजा की दर 1% से भी कम है। क्यों? क्योंकि ये जो पीएमएलए की जो आपके धारा 5(1) है, उसमें एक जो है शर्तें लगाई गई हैं कि आप जब पीएमएलए की कार्रवाई करेंगे तो उसमें ये बातें पूरी होनी चाहिए, जैसे संबंधित एफआईआर हो, आप मजिस्ट्रेट के सामने उसका जो है तस्करा हो, ये सब चीजों का पालन ये नहीं करते, ये चलान कर वो कर देते हैं। यहां तक कि आपके पीएमएलए कोर्ट जो मनमोहन सिंह, जस्टिस मनमोहन सिंह के रिटायरमेंट के बाद तो कोई फैसला ही नहीं आया। जस्टिस मनमोहन सिंह ने दावोस वाले मामले में कहा कि जो पीएमएलए का जो चार्जशीट है ईडी की, ये शुद्ध रूप से कॉपी एंड पेस्ट है। हमारा कुल मिला के कहने का मतलब है कि ईडी जो है, या और आपके यूएपीए है, एनएसए है, पीएसए है, इस तरह आपका जो है नारकोटिक्स वाले हैं, ये इन कानूनों का जो है सत्ताधारी दल और उनके इशारे पर जांच एजेंसियां इसलिए इस्तेमाल करती हैं ताकि आदमी अनिश्चित काल तक प्रक्रियात्मक। मेरा इस पे एक ठोस सवाल है। कहा हाँ। जा रहा है कि नेशनल हेरल्ड जो ट्रस्ट था उसका पैसा जो है एक प्राइवेट कंपनी यंग इंडियन के नाम से, उसको जो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने अपने नाम कर लिया। उसमें कहा जा रहा 86% स्टेक जो है गांधी परिवार का है, और ये जो है कानून का उल्लंघन है और उसके दायरे में आ जाता है। इसको साफ करिए तो थोड़ा अच्छा लगे। हाँ तो देखिए ऐसा है ना कि कुल मिला के आपका जो है वो कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपया अपने फंड से उधार दिया है नेशनल हेरल्ड को 10-10 करोड़ करके, उसमें से 67 करोड़ रुपया जो पुराने इम्प्लाईज थे उनके जो है क्या कहते हैं जो सैलरी बकाया थी उसको जो है भुगतान करने में उसका इस्तेमाल हुआ है। और वो जो उनको उधार दिया है और वो डिफंक्ट टाइप की कंपनी है, पैसे की कमी हो गई है, तो उसने अपना जो है शेयर यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया, जिसके बारे में कहा जा रहा है जिसके मालिक सोनिया गांधी और राहुल गांधी और मोतीलाल वोरा और आस्कर फर्नांडिस और सुमन दुबे जो हैं, जिसमें 2-3 लोग दिवंगत भी हो गए हैं, तो उसमें कर दिया है। लेकिन उसमें भी है कि वो यंग इंडिया का शेयर ना बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं, मतलब एज इट इज है, आप समझिए। उसमें 1 रुपए का भी जो है आदान प्रदान नहीं हुआ। अगर आदान प्रदान हुआ है तो नेशनल हेरल्ड को ही कांग्रेस पार्टी ने उधार दिया है। अब नेशनल हेराल्ड उसको कब चुकता करेगी? तो 90 करोड़ का तो उसमें आपके बुक्स में जो है मतलब लिखा हुआ है, आपसे बता रहे हैं। तो सवाल है कि जहां 1 रुपए का भी ना आदान हुआ ना प्रदान हुआ, जहां 1 रुपए अच्छा जब आप उसको बेच नहीं सकते उसके शेयर को, तो आप मालिक बन के क्या करेंगे? अगर मान लीजिए आपको मालिक बना दिया जाए, आप उस शेयर को ना बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं, एक लाइबिलिटी आपके जो है नाम से जुड़ गई, जिसकी वजह से आपको ईडी की झड़ाई फुकाई लग रही। दूसरी बात यह है कि इसमें कुछ ना कुछ तो मनी लॉन्ड्रिंग है, तो कुछ ना कुछ पैसा इधर का उधर उधर का उधर होना चाहिए ना। देखिए जब सरकार आपको परेशान करने पर उतारू होती है तो आपके दीवानी प्रकृति के मामले को फौजदारी मामला बना देती है। दीवानी प्रकृति का मामला जो है वर्षों चलता है, कोर्ट उसमें जो है नियम कानून के अनुसार दीवानी प्रक्रिया संहिता के अनुसार जो है उस पर निर्णय करती है, और जब फौजदारी का मामला हो जाता है तो उसमें गिरफ्तारी इन्वॉल्व हो जाती है, उसमें जेल जाने का डर हो जाता है, फिर उसमें जमानत कराओ, अग्रिम जमानत कराओ, ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। ये अगर प्रॉपर्टी जी प्रॉपर्टी ट्रांसफर का मामला है तो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर का मामला दीवानी ढंग से होना चाहिए, फौजदारी ढंग से होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत साफ तरीके से आपने बताया कि उसमें लेन देन जो हुआ है उसमें कोई अतिरिक्त कहिए तो भ्रष्टाचार जैसा नहीं दिख रहा, इंटैक्ट है चीजें। जो पैसा आया तो पैसा पड़ा हुआ, उसको भी वो किसी दूसरे को नहीं दे सकते, ऐसा है, दूसरी कंपनी सुरक्षित है। नहीं नहीं पैसा नहीं आया है,
कागज में शेयर ट्रांसफर हुआ है, पैसा तो आपके इम्प्लाइज को बट गया। अच्छा पैसा बट गया। हाँ, आप 2G घोटाले की तुलना इससे कर सकते हैं कि 2G घोटाला हुआ और सब मामला फिजिल आउट हुआ, क्योंकि एक भी पैसे का उसमें जो है इधर उधर नहीं हुआ। जितना जो है 2G की जो नीलामी हुई थी तो सरकार ने कैंसिल कर दी, तो कोई पैसा इधर उधर हुआ नहीं। और जो मारन ब्रदर्स को इन्होंने घेरा कि साहब वो प्राइवेट वो चलाते थे, अपने यहाँ से एक्सचेंज चलाते थे, तो ये था तो फलाना था, तो उन्होंने अपने क्या कहते हैं सन टीवी को ये किया वो किया, उसमें एक आरोप भी ये कोर्ट में जो है मतलब प्रूव नहीं कर पाए। सारे के सारे लोग, आपका कहना कोर्ट में मामला टिक नहीं पाएगा? नहीं टिकेगा, नहीं टिकेगा तभी जब नारंगी जज होंगे। बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं। रामशरण जोशी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस को आप बहुत नजदीक से देखते रहे, राष्ट्रीय राजनीति और इस दौर की जो राजनीति चल रही है मौजूदा सत्ता की, उसको भी आप देख रहे हैं। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। ये जो पहल की है सरकार ने, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अनम्यूट कर लीजिए रामशरण जी, अनम्यूट। हाँ आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। अब तो मैंने हाँ जी, इस पहल को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए अभी मैंने जेपी सिंह जी को सुना और उन्होंने इसका जिस पृष्ठभूमि सामने रखी, मतलब उसका वैधानिक पक्ष जो है वो सामने रखा। दरअसल मेरी दृष्टि में जो कुछ हो रहा है ये केवल वैधानिक ही नहीं है, इसके दो पक्ष हैं। वैधानिक तो अपनी जगह है ही, लेकिन मूलतः ये एक राजनीतिक पक्ष वो ज्यादा गंभीर है, इसको समझने की आवश्यकता है। लेकिन मैं इसको और थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। मेरा कहना केवल नेशनल हेराल्ड या सोनिया गांधी से नहीं, लेकिन जिस ढंग की जो राजनीति सामने आई है और खासतौर से ग्लोबलाइजेशन के बाद, यानी जुलाई 1991 के बाद जो राजनीति का पूरा चरित्र बदला है, उसमें पूंजी महत्वपूर्ण हो गई है। तो आज स्थिति ये हो गई, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, उनको पूंजी बहुत चाहिए और जबरदस्त चाहिए, और पूंजी चाहे वैधानिक ढंग से हो चाहे अवैध ढंग से हो, वो हर पार्टी पोलिटिकल पार्टी उसको अक्वायर करने की कोशिश करती है। हमको इस दृष्टि से देखने की जरूरत है। जब आज सवाल उठता है सोनिया गांधी का और राहुल गांधी का, जिसके बारे में जेपी सिंह जी ने थोड़ा सा गहराई में जाके बताया, ये मामला कोई नया नहीं है, पिछले 8-10 साल का है। देखिए एक चीज समझिए, इसमें जो क्वालिटेटिव चेंज आया है पिछले 8-10 साल में, वो ये कि जो CBI या ED या IT, इनका इस्तेमाल कांग्रेस के जमाने में भी होता रहा है अपने विरोधियों के खिलाफ, लेकिन पिछले 10 साल में ये जो तीनों जो महत्वपूर्ण हथियार हैं शासन के हाथों में, वो उसका जो आक्रामक और प्रतिशोधात्मक ढंग से, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एक रिवेंजफुल तरीके से, जिसको इस्तेमाल जो किया जा रहा है पिछले 8-10 साल में, ये पहली बार भारत की राजनीति में हो रहा है। देखिए करप्शन तो हमेशा से होता रहा है, और मैं तो 1967 से राजनीति इसको पत्रकारिता को और राजनीति को देख रहा हूँ, तो कोई बहुत नई बात नहीं है। लेकिन पिछले 10-1 साल से जो राजनीति में एक नया डायमेंशन जुड़ा है, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष के संबंधों के बीच, वो है रिवेंज का। रिवेंज की पॉलिटिक्स एक जमाने में तमिलनाडु में रहा करती थी, वहाँ AIDMK और DMK के बीच प्रतिशोध चला करता था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतिशोध की राजनीति उभरी है वो पिछले 8 साल में होती है। उस दृष्टि में अगर आप देखा जाए तो जिस ढंग से सोनिया गांधी को अर्जुन को आने के लिए ईडी ने कहा, या उससे पहले राहुल गांधी को 2 जून को आज किस दिन कहा था, लेकिन अब सवाल ये है कि आप ये अचानक तो नहीं हो गया। अगर पिछले 2-3 साल का आप देखें तो जो भी महत्वपूर्ण जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के हों, चाहे वो शिवसेना के हों, चाहे वो आप पार्टी के हों, चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के हों, कि सबके खिलाफ कुछ न कुछ हुआ है। ईडी ने या IT ने या CBI ने कुछ न कुछ मारा, कुछ न कुछ उन पर हमला किया, कार्रवाई की। अब यही मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा रूलिंग पार्टी से कि क्या पिछले 8-10 साल में क्या ये मान के चला जाए
कि बीजेपी का एक भी नेता मतलब हर नेता पवित्र है, साफ सुथरा है, क्या उसके सारे रिकॉर्ड साफ सुथरे हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि अगर ये तीनों जो हथियार हैं सीबीआई प्लस ईडी प्लस आईटी, अगर ये किसी एक भी कांग्रेस बीजेपी के नेता के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहे हैं, ये होती नहीं है या इनिशिएटिव नहीं करते, तो ये जो कार्रवाई हो रही है जैसे पिछले दिनों सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया, उससे पहले महाराष्ट्र में दो मिनिस्टरों को गिरफ्तार किया गया, और अब तो सिसोदिया के बारे में अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अब अगली बारी सिसोदिया की है, और उससे पहले अभिषेक बनर्जी कलकत्ता में उसके यहाँ रेड किया गया, कोई भी ऐसा। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमें ये देखना पड़ेगा कि ये अचानक क्या हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, कानून अपनी कार्रवाई करेगा, जो गुनाहगार है चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे वो आम आदमी हो, सजा उसको मिलनी चाहिए, लेकिन देखना ये कि क्या आप न्याय संगत ढंग से कार्रवाई कर रहे हैं, बदले की कार्रवाई के तौर पर देखा जाए उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखती है, लग नहीं रहा कि ये बिल्कुल निरपेक्ष भाव से और बिल्कुल फेयर ढंग से कर रहे हैं, ऐसा इसमें दिखाई नहीं दे रहा। इस मसले पर जी इस मसले पर अगर कोई रखना चाहे तो संक्षेप में मतलब 30-30 सेकंड एक एक मिनट कह सकते हैं, आप अनम्यूट कर लिए सिद्धार्थ। नेशनल हेराल्ड के मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ले आने का एक और मसला है, एक एंगल है। जैसे राहुल गांधी सोनिया गांधी पर बहुत सारे आरोप लगाए जा सकते हैं अन्य सारे, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता था कि वो व्यक्तिगत तौर पर किसी भ्रष्टाचार में या पैसे के लेन देन में शामिल। भले ही ईडी के माध्यम से साबित हो या ना हो, लेकिन उनके चरित्र को संदिग्ध बना देना, नेशनल हेराल्ड केस में उनके चरित्र को संदिग्ध बना देना, कम से कम अपने जो भाजपा समर्थक हैं, आरएसएस समर्थक हैं, न्यूट्रल टाइप के लोग हैं, उनके विरोधी हैं, तो ईडी में साबित होगा या नहीं साबित होगा उनके लिए इतना बड़ा प्रश्न नहीं होता है। जैसे ज्ञान बापी मस्जिद मंदिर साबित होगा या नहीं, उनका काम हो गया। इसी तरह गांधी परिवार पर, कम से कम राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर अभी ये आरोप आम मानस में नहीं है कि लोग व्यक्तिगत पैसे के लेन देन में या धन बनाने में लगे हुए हैं। तो इसका एक बिंदु ये भी है कि इनके व्यक्तिगत चरित्र, व्यक्तिगत ईमानदारी, आर्थिक ईमानदारी को भी संदिग्ध बनाया जाए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण पहलू की तरफ आपने इशारा किया है कि ये जो है दाग लगाने वाली जो बात है, और कम से कम भक्तों की निगाह में ये जो है कोर्ट तो चले गए राहुल गांधी, या इस तरह का आरोप तो है उनके ऊपर आरोपी बना करके पेश करना उसको जो है दागी। अरे आप आज अखबारों में आपने देखा होगा, हिंदी अखबारों में आपने देखा होगा जो हेडलाइन बहुत सारी जगहों पर थी और बहुत सारे वेबसाइटों में हेडलाइन जो थी वो ये थी कि सोनिया गांधी राहुल गांधी बेल पर है, मतलब कोई अपराध किया है और बेल पर है। तो ये जो हेडिंग बनाने का मौका मिला है, या आपने बहुत सारे चैनलों में जो हेडिंग्स देखी होगी या जो सोशल मीडिया पर वो देखी होगी कि ये दोनों लोग भी व्यक्तिगत तौर पर भी आर्थिक तौर पर ईमानदार नहीं है, ये काम उनका हो गया, आगे क्या होगा वो बड़ा बात नहीं है, शुरू भी किया गया था इसी संदर्भ। बिल्कुल, प्रोफेसर रविंदर गोयल जी। नहीं, मुझे कुछ विशेष बात नहीं कहनी है, सभी बात आ चुकी है, मुझे नहीं कहना है। जेपी सिंह जी, आप कुछ कह रहे थे फिर। जी देखिए, वो जो आपने कहा ना कि सुर्खियां बन रही हैं कि उनको जमानत पर रिहा किया गया है, तो प्रसंग बस आपने पढ़ा होगा कि चिदंबरम के जोरबाग के बंगले को पीएमएलए ने जो है ईडी ने सीज कर लिया है। आपने पढ़ा होगा कई कई दिन सुर्खियां चली कि मीसा भारती का जो आपका दिल्ली में जो फार्म हाउस है उसको ईडी ने सीज कर लिया है। और आपने इधर पढ़ा होगा कि मीसा भारती के ही फार्म हाउस में लालू प्रसाद यादव जब छूटे तो आए, ये इन्होंने सीज किया था, लेकिन इनका इन्होंने कोई उसमें इस तरह का एविडेंस नहीं रखा था, तमाम कानून का पालन नहीं किया था। ये दोनों बंगले, माने चिदंबरम का भी और इनका जो फार्म हाउस है, ये पीएमएलए कोर्ट ने रिलीज कर दिया है। अब ये दोनों का रिलीज है, और लेकिन आपने ये रिलीज की खबर नहीं पड़ी होगी, उसकी खबर कहीं नहीं आएगी। जी बिल्कुल, मीडिया मैनेजमेंट है। गिल साहब, इस पर आप कुछ रखना चाहेंगे, नहीं फिर हम अगले उसकी तरफ बढ़ेंगे। जो हो रहा है ये तो इस पर कोई आश्चर्य होने की बात, आश्चर्य नहीं है, नथिंग सरप्राइजिंग, कि इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल पॉलिटिकली किया जाता रहा है। इंदिरा गांधी के ज़माने में खास तौर पर उसको किया गया और बड़े पैमाने पर किया गया। जब अब इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करेंगे
तो कल आपकी बारी भी आएगी। अगर आप इस डेमोक्रेसी में रहना चाहते हैं, डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस को ज्यादा छेड़छाड़ आप करेगा, इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करेगा, तो फाइनली आपकी बारी भी आएगी। यही हो रहा है, वो कांग्रेस के साथ जो आज हो रहा है, इस तरह से ईडी का इस्तेमाल पहले भी किया गया है, इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया गया है, और इसमें एक अलग पहलू, एक और पहलू आ जाता है कि सेंटर स्टेट रिलेशंस, सेंटर स्टेट रिलेशन को भी अंडरमाइन करता है मामला, क्योंकि आप स्टेट्स के उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। अब जो आपकी संस्था है ये एनआईए जो बनाया गया है, वो इस तरह बनाया गया है कि उसकी पावर जो है सेंटर में, सेंटर के अलावा स्टेट में भी कवर करता है, पूरा पावर्स को कवर करता है, जो कि राइट है स्टेट का, लॉ एंड ऑर्डर, और लॉ एंड ऑर्डर में इंटरफेरेंस बकायदा कर सकता है एनआईए, टेररिज्म और दूसरे कई चीजों के नाम पर, उसका उसको अभी अमेंडमेंट करके उसमें कई और चीजें ऐड कर दी गई है। लेकिन अगर आप क्या, क्या क्या पुरानी सरकारें इतने नंगे तरीके से संस्थाओं का इस्तेमाल करती थी जिस तरह से अब चल रहा है? सवाल है कि डेस्परेशन, जिस तरह का सरकार आज है, जो सरकार है जो डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखती, जो सिंगल पार्टी रूल चाहती है, जो ऑटोक्रेसी चाहती है, वो यही करेगी। इससे आशा, मगर एक सवाल है कि ग्राउंड किसने प्रिपेयर करके दिया? यूएपी किसने बनाया? एनआईए किसने बनाया? ये जो साइबर लॉ जो बनाए थे चिदम्बरम ने बनाए थे, ये भूल जाते हैं, जिसका जब इस्तेमाल इनके खिलाफ होता है तब इनको लगता है कि हमारे खिलाफ हो रहा है। ये होगा जब आप गलत तरीके अपनाएंगे, गलत तरीकों से आप अंडरमाइन करेंगे डेमोक्रेसी को किसी भी तरह से, तो उसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट होगा, नुकसान होगा। हमें इन चीज़ों को सुधार, आज़ादी के बाद में जो चीज़ों को सुधारना चाहिए था और स्ट्रेंथन करना चाहिए था फेडरलिज्म, उसको और अंडरमाइन किया गया, उसको डाइल्यूट किया गया। क्या पता इन सब चीजों से कांग्रेस को सीखे और नया सबक ले और कभी भविष्य में कोई संभावना बने, तीन सब चीजों। महेंद्र जी, इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, महेंद्र जी, मैं इसमें यही जोड़ना चाहूंगा कि बेसिकली ये ऐसा पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी जो भी सत्ता में है, वो ऐसा क्यों कर रही है? सवाल ये है कि डिसेंट को या डेमोक्रेटिक स्पेस को श्रिंक करने और अपोजिशन को, किसी भी तरह के अपोजिशन को खत्म करने और पूरे इंडियन भारत सरकार और भारतीय राज्य व्यवस्था को एक पुलिस स्टेट में कन्वर्ट करने की जो एक लार्जर कोशिश है, वो उसके जो न्यू लिबरल प्रोजेक्ट है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। और मेरा मानना है कि वो इस समय का कॉरपोरेट कैपिटल वो किसी तरह के डिसेंट को, किसी तरह के पॉलिटिकल स्पेस को वो नहीं इंटरटेन कर सकता, और उसकी पूरी कोशिश है कि भारतीय राज्य व्यवस्था को एक अथॉरिटेरियन करेक्टर दिया जाए, और वो नहीं चाहते। आपने देखा एक पैटर्न जो है वो दिखाई देता है, जहां जहां भी विपक्ष की सरकारें हैं वहां वहां के उनके प्रमुख नेताओं को, जो भी क्रेडिबल और यही नहीं बल्कि सामाजिक आंदोलनों में जो लगे हुए लोग हैं, उनको कैसे डिफेम किया जा रहा है, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। तो एक ब्रॉडर पैटर्न है पूरे हिंदुस्तान के राजनीति को एक खास किस्म का अथॉरिटेरियन टर्न देने की, एक सर्वसत्तावादी जो मानसिकता है वो भारतीय राजनीति का की संस्कृति बनती जा रही है, ये ज्यादा चिंताजनक है। बहुत महत्वपूर्ण पहलू तरफ आपने इशारा किया। सिद्धार्थ जी, आप रखिए, फिर आपके विषय की तरफ। छोटी सी बात, कभी हम लोग बाद में बात करेंगे विस्तार से जी, कि देखिए कॉर्पोरेट तो ब्रिटेन में भी है और नियो लिबरलिज्म का वो गढ़ है, लेकिन ब्रिटेन की सामान्य सी संस्था, अरे जो प्रधानमंत्री हैं उनको आर्थिक दंड का नोटिस पकड़ा देगी, और अभी जो चल रहा है सारी संस्थाएं जिस तरह काम कर रही हैं, तो ये जो भारतीय डेमोक्रेसी की अपनी विशिष्ट प्रॉब्लम्स है, इसको बहुत जनरलाइज करके केवल कॉर्पोरेट से जोड़ा जाएगा तो थोड़ी सी इसकी विशिष्टता को समझने में दिक्कत होगी, लेकिन हम लोग भविष्य पे इस पर बात करें। जिस किस्म का डिस्पोजिशन, जिस किस्म का डिस्पोजिशन हाल के दिनों में भारतीय कॉरपोरेट ने दिखाया है, हिंदुस्तान के तमाम एसेट्स और पब्लिक सेक्टर पर जितनी बड़ी निगाह भारतीय कॉरपोरेट की है, वो इंग्लैंड के कॉरपोरेट की वो स्थिति नहीं है। आज हम एक एक्यूमुलेशन बाय डिस्पोजिशन के एक पर्टिकुलर फेज में हैं, जो कि दुनिया के किसी देश में इतने बड़े स्तर पर संसाधनों की लूट नहीं संभव बनाई गई है सरकारों और राज्यों के सहयोग से, जितना भारत में ऐसा हुआ है। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कॉरपोरेट हिंदुस्तान में वो मॉडर्निटी और लिबरलाइजेशन वाला कॉर्पोरेट नहीं है, एक डिस्पोजिशन और एक लुटेरी कॉर्पोरेट व्यवस्था यहाँ पर है। मुझे लगता है शशि कांत जी, मुगालता पालने की जरूरत नहीं है, दुनिया में सभी लुटेरे हैं और ये अपने भिन्न भिन्न किस्म की अपने पत्रे इस्तेमाल करती रहती है। अभी जो सरकार ये कर रही है, ये काम जब तक करती रहेगी जब तक के जनता सड़क पर नहीं उतरेगी। यही जब श्रीलंका, आप ही ने बताया था या किसने बताया था कल ही, राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में जाके कहा है कि मेरा जो है नियो लिबरल मॉडल से कोई मतभेद नहीं है, हमारा तो सिर्फ इतना ही मतभेद है कि कुछ कदम उठाए जाए या ना उठाए जाए।
तो ये लेकिन लेकिन लेकिन, लेकिन इस मुद्दे को मैं यही समाप्त करूं क्योंकि फिर इसी पर हम खिंच जाएंगे और इस पर अलग से क्योंकि बड़ा मसला है, फिर बात करेंगे। दरअसल ये जो हो रहा है ये इस बात का सबूत है कि ये इनका संकट कितना विकट हो गया है। इन्होंने पहले अपने निशाने पर साईं बाबा को लिया था, फिर अपने निशाने पर डेमोक्रेटिक राइट एक्टिविस्ट को लिया था जो केस चला ही नहीं, फिर आगे बढ़े तो लालू यादव आए, फिर और आए तो जैसे बता रहे थे बीजा वगैरह वगैरह, अब जो है इन्होंने इस पर भी हाथ डाला। ये इनके संकट का प्रतीक है और ये इस मामले में आने वाली स्थिति में और भी गंभीर हो सकता है। बिल्कुल, देखिए इस पर हमने कोशिश की कि गहरी बातचीत हो, जो पहल है सरकार की किस लिए है, किस दिशा में है, उसको समझने की कोशिश की जाए और बहुत महत्वपूर्ण बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। दूसरे मुद्दे पर हम बढ़ते हैं। दूसरा मुद्दा है बिहार में जो जाति जनगणना का मामला उठा है और कहा जाए तो 1931 के बाद इस देश के अंदर जनगणना तो हुई, कभी जात की जनगणना नहीं हुई और कई बार कोशिशें सरकारें वादा की लेकिन हुआ नहीं। 2011 में एक बार इस तरह कोशिश हुई थी यूपीए के दौरान। अभी फिर जब केंद्र सरकार इस पर कोई पहल नहीं कर रही है, उसने खारिज कर दिया पार्लियामेंट के अंदर, उसके गृह राज्य मंत्री ने बयान दिया था कि इस तरह की जनगणना संभव नहीं है, तब मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं नीतीश कुमार, उन्होंने पहल किया। और सबसे दिलचस्प बात है उसमें बीजेपी भी उनके साथ है। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप इस पूरे मामले को रखिए कि वो किस तरह से पहल आगे बढ़ाई गई है और इसके पीछे उद्देश्य क्या, क्या क्या चीजें हासिल हो सकती हैं, हासिल की जाएंगी। जी, एक तो देखिए वेल नोन फैक्ट है तो तथ्यों पर कि अरे ऑलमोस्ट नहीं बने, कोई एक भी पार्टी नहीं थी जिसने इसका विरोध किया हो, सभी पार्टियां सर्वसम्मत थी। दूसरा पॉइंट यह है कि नीतीश कुमार को जो भाजपा राजनीति के जैसा उसका तरीका रहा है कि नीतीश कुमार को थोड़ा राजनीति के हाशिए पर ले जाने की कोशिश कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि चुनाव में जो तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी भी थी, नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर चले गए थे। तो फिलहाल इस मुद्दे के चलते नीतीश कुमार ने एक हद तक अपर हैंड, जो नीतीश कुमार की पहलकदमी है बिहार की राजनीति में, फिर एक बार नीतीश कुमार ने अपर हैंड हासिल कर लिया है। और ये अपर हैंड उनको दो कारणों से, एक प्रिविलेज है उनको, नीतीश कुमार को एक बड़ा प्रिविलेज बिहार में मिला हुआ है, ना ये प्रिविलेज भाजपा के पास है और ना ये प्रिविलेज राजद के पास है, वो नीतीश कुमार के पास ही प्रिविलेज है। जैसे राजद भाजपा के पास नहीं जा सकती है, भाजपा राजद के पास नहीं जा सकती है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ ये प्रिविलेज है कि वो राजद के साथ भी जा सकते हैं और भाजपा के साथ जा सकते हैं। तो इस प्रिविलेज का पिछले 15 सालों से 10 सालों से बहुत अच्छा इस्तेमाल इस मामले में नीतीश कुमार बहुत ही चतुर राजनीतिज्ञ के तौर पर साबित हुए हैं कि भले ही उनकी पोजीशन को अरे थोड़ा कमजोर बन गई और चिराग पासवान का भाजपा ने इस्तेमाल किया था, लेकिन अपनी स्थिति को उन्होंने थोड़ा मजबूत बना लिया है। दूसरी बात यह भाजपा के बारे में ये कहा जाता है, ये तो भाई बहुत वेल नोन है कि वो केंद्र के स्तर पर जनगणना का विरोध करती है और राज्य के स्तर पर उसका समर्थन कर रही है, तो भाजपा के लिए इस तरह के कोई मूल्यगत मामला नहीं है। वो एक जगह पर बीप के लिए किसी की हत्या करवा सकती है, जिन लोगों को जेल भेज सकती है, और दूसरी जगह अरे गोवा से लेकर के और पूर्वोत्तर तक और केरल तक ये कह सकती है कि हम बहुत अच्छे तरीके से आपको बीप की सप्लाई करेंगे, कोई बाधा आने नहीं पाएगी, भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। तो भाजपा के लिए एक तरह का राजनीतिक अवसरवाद कोई बड़ा मुद्दा नहीं है कि वो यहाँ क्या कर रही है और वहां क्या कर रही है। आप जानते होंगे केरल में ईसाइयों के साथ भी बड़ा गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए कहीं ईसाई विरोध बड़ी बात हो सकती है, कहीं ईसाइयों से गठबंधन बना सकते हैं। तीसरी बात यह कि बिहार में ही क्यों संभव हुआ, इस समय बिहार में जितनी पोलिटिकल फोर्सेज हैं तत्कालिक तौर पर भी, चाहे वो राजद हो, चाहे वो यहाँ तक ये पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर नीतीश कुमार हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे भाजपा हो, चाहे एमआईएम, कोई भी वैसी पॉलिटिकल फोर्स नहीं है, और एक बड़ी एक फोर्स है जो सीपीआईएमएल, जैसे लेफ्ट की कहीं और पोजिशनिंग कुछ भी हो सकती है, लेकिन बिहार में जो सीपीआईएमएल की पोजिशनिंग है वो पूरी तरह से जाति गणना के पक्ष में खड़ी है, घोषित तौर पर खड़ी है और बड़ी मजबूती के साथ खड़ी है। तो वो कोई केवल उसके लिए सैद्धांतिक मसला नहीं है, यानी बिहार में करीब करीब सभी पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, जिसमें लेफ्ट भी है वो और जात जनगणना के साथ खड़ी है। एक बिहार के हिस्ट्री में भी इसके तत्व निहित हैं, जैसे ये आप सभी लोगों का ध्यान गया होगा कि भाजपा उत्तर भारत में या एक तरह से पश्चिमोत्तर भारत में और दक्षिण के कुछ हिस्से में भी अपने मुख्यमंत्री और अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही है स्वतंत्र तरीके से, लेकिन ये हिंदी पट्टी का एक बीमारू राज्य कहा जाता है बिहार को, लेकिन बिहार में भाजपा अपना सरकार बनाने में आज तक कामयाब नहीं, अपना मुख्यमंत्री भी नहीं बना सकती है।
इंक्लूडिंग अपर कास्ट मुख्यमंत्री को चेहरे के तौर पर भी फिलहाल 5-10 साल तक प्रस्तुत नहीं कर सकती है। इसकी जो जड़ें भाजपा बिहार में वो 3-4 जगहों पर हैं। एक तो बिहार में सामाजिक न्याय आंदोलन जिसे पिछड़ों का आंदोलन कहते हैं वो बहुत पुराना है, 1930 से त्रिवेणी संघ से चल रहा है और बहुत पहले ही 67-68 के आसपास ही वहां पिछड़े के मुख्यमंत्री बनने लगे हैं, सोशलिस्ट पार्टियों के बनने लगे। जिसे लोहियावादी आंदोलन कहते हैं उसका भी, सोशलिस्ट आंदोलन कहते हैं उसका भी एक बड़ा गढ़ रहा है बिहार। इसके अलावा कम्युनिस्ट आंदोलन का एक बड़ा गढ़ बिहार रहा है और बिहार के कम्युनिस्ट आंदोलन का जो गढ़ का सबसे बड़ा आधार रहा है, जो बाद में सीपीआईएमएल लिबरेशन ने जो उसको गढ़ बनाया, उस और जो अन्य पार्टियां भी काम कर रही थी उसमें उनके जो मजबूत बड़े समर्थक थे वो पिछड़े व दलित थे। अपर कास्ट ओरिएंटेड पार्टी नहीं रही है, भले ही नेतृत्व पे लोग यानी वही एजेंडे उसके भी रहे हैं और बाद में थोड़ा बहुत कांतिराम ने कोशिश की। हिस्टोरिकली भी बिहार के साथ पोजिशन है कि वो इस मामले के साथ खड़ा हो सके। एक और जनसांख्यिकी मामला है, बिहार में करीब करीब 15% के आसपास बिहार और यूपी में एक बड़ा अंतर है। यूपी में चाहे सोशलिस्ट आंदोलन रहा हो, चाहे पिछड़ों का आंदोलन रहा हो, चाहे कम्युनिस्टों का आंदोलन रहा हो, जो बिहार को काफी हद तक चेंज किए हैं वो पूर्वांचल के कुछ हिस्से में सिमटे हुए रहे हैं। तो ये एक हिस्टोरिकल और सोशल सॉरी हाँ बस अब हम यहीं रोकेंगे आपको, क्योंकि इस पर मैं इस नजरिए से कमेंट चाहूंगा अपने जो गेस्ट हैं कि ये जो बिहार में पहल हुई है, राष्ट्रीय स्तर पे मांग हो रही है लेकिन सरकार आगे बढ़ नहीं रही है, लेकिन सामाजिक स्तर पे कहिए जनमत के स्तर पे इसके पक्ष में है माहौल, बावजूद इसके सरकारें आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो बिहार में जो पहल हुई है क्या दूसरे राज्यों पर भी इसका दबाव पड़ेगा? अल्टीमेटली केंद्र को भी इस पर आगे बढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, क्या इस दिशा में चीजें जाएंगी? इस पर आप लोग बातचीत रखिए और 30-30 सेकंड। मैं अगर कहूं तो ये बात आपने ठीक उठाई है, जो 1931 का जातिगत जनगणना का आंकड़ा है वो बहुत पुराना हो चुका है और अगर आर्थिक आधार पर भी देखा जाए तो तय बात है कि अगर जातिगत जनगणना होगी तो जातिगत आबादी की संख्या जो 31 के आंकड़े में बताई गई है उससे ज्यादा यहाँ पर स्थापित होगी। और बिहार के अंदर जो शुरुआत हुई है ये कुछ इस तरीके से मंडल विरोधी आंदोलन का याद आता है कि मंडल का विरोध करते करते सब मंडल के समर्थन में आए हैं। जातिगत की जो शुरुआत हुई है ये लाजमी तौर पर देश के अन्य हिस्सों में भी ये फैलेगा और बढ़ेगा। शशिकांत जी देखिए, मेरा इस मामले में मानना है कि एक दुधारी तलवार है, ये रूलिंग क्लास के हैंड्स में उनके हाथों में तमाम वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक युक्ति भी हो सकती है, क्योंकि सामाजिक न्याय या आर्थिक मोर्चों पर उन तमाम तबकों को जिनका इन्यूमरेशन या जिनकी गणना ये कराना चाहते हैं इन्होंने कोई काम नहीं किया है। अगर इन दलों की बात करें, चाहे सामाजिक न्याय के जितने भी दल हैं, वास्तविक अर्थों में बिहार में न तो एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन के ये दूत बने हैं, बल्कि उन्होंने छोटी छोटी बल्कि डोमिनेंट कास्ट की पूरी धारणा बदलते हुए इन्होंने वहां पर एक तरह से रूढ़िवादी समाज को ही प्रश्रय दिया है, कहीं से भी ट्रांसफॉर्मेशन के एजेंट नहीं बने हैं। लेकिन इस बात में पूरी संभावना है कि अगर ये जनगणना होती है तो वास्तविक आंकड़ों से जो इन समुदायों में जो इनके रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनको इस तथ्यों का लाभ मिल सकता है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि वो पॉलिटिक्स को ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स में ले जाते हैं या सांप्रदायिक जातिवादी राजनीति में समायोजन होने की राजनीति में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। इस बात की संभावना है कि मौजूदा समय में इस तरह की जनगणना का भारतीय जनता पार्टी जो कम्युनल गेम कार्ड खेलती है या और कास्ट पार्टी जो कि कास्ट के कार्ड्स खेलती हैं वो अपने इलीट पॉलिटिक्स के लिए अप्रोप्रिएट कर लिए जाएंगी और कोई भी ट्रांसफॉर्मेटिव इस्तेमाल इस जनगणना का नहीं हो पाएगा, इस बात की ज्यादा संभावना है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात किया आपने और उसमें बेसिक कुछ सवाल उठाए। सिद्धार्थ जी आपको जवाब देना चाहेंगे इसका? देखिए कोई जवाब जैसी बात नहीं है, ये तो एक उन्होंने ही कहा है कि दुधारी तलवार है। जैसे मान लीजिए कि आरक्षण का प्रश्न था या राजनीतिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न, एक समय बहुत चैलेंजिंग प्रश्न था और उसने ट्रांसफॉर्म किया था मंडल आयोग ने या राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण ही तो मूल था मंडल कमीशन का, लेकिन आज उसको भाजपा ने अप्रोप्रिएट कर लिया काफी हद तक, तो आज तो उसका इस्तेमाल उसने उल्टा कर दिया। या मान लीजिए कांशीराम साहब का वो था कि जिसकी जितनी हिस्से जनसंख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी यानी जातियों के हिसाब से हिस्सेदारी मिलना चाहिए, उस राजनीति का उसने उसका इस्तेमाल कर लिया। तो ये तो किसी भी और ये इस्तेमाल मैंने
बड़ी बात हो जाएगी कहना, शायद वो डिस्कशन यहाँ नहीं है कि जब चीजें अपने विपरीत में बदल जाती हैं, जैसे मान लीजिए कि जो रूस और चीन कभी सबसे चैलेंजिंग फोर्स थे पूंजीवादी दुनिया के लिए, लेकिन जब वहां वो पूंजीवाद में तब्दील हो गए तो पूंजीवादी दुनिया को उन्होंने बहुत ज्यादा ताकतवर बना दिया। तो कोई इतिहास की बड़ी से बड़ी परिघटना जब अपने विपरीत में चेंज हो सकती है, इस संभावना से तो इनकार ही नहीं किया जा सकता। तो इस संभावना की तरफ ही उन्होंने इशारा किया, कोई बड़ी बात नहीं। एक बात कहूंगा कि ये मुगालता हमको पालने की जरूरत नहीं है कि आज जातिगत जनगणना की मांग करने वाली कोई क्रांतिकारी ताकतें हैं, क्रांतिकारी ताकतें उनका समर्थन कर रही हैं सामाजिक न्याय के पक्ष में, पर चाहे नीतीश हो चाहे राजद हो, ये इस पूंजीवादी राजनीति के ही हिस्से हैं और ये कोई सामाजिक बदलाव की राजनीति करने वाले नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वो मांग उठा रहे हैं तो जमीनी एक सच्चाई है जिसकी कि वो अभिव्यक्ति है और जिसको हमें समझना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल, एक छोटी सी बात, असल में बोलते समय कई कई बार क्रांतिकारी कौन है इसकी परिभाषा बड़ी हो जाती है। हमारे देश की बहुत सारी क्रांतिकारी पार्टियां हैं जो इसका समर्थन करती हैं, तो कैसे कहा क्रांतिकारी ताकतें नहीं कर रही हैं? ये नहीं कर रहे, मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ और आप नहीं कर रहे हैं, तो इसके नाते क्रांतिकारी समर्थन नहीं कर रहे हैं। इस मांग का नेतृत्व कौन कर रहा है? ये कोई CPIML चाहे जिस रंग का भी क्रांतिकारी हो उसकी ये मांग नहीं है। ये मांग है नीतीश कुमार की, ये मांग है राजद की, ये मांग है भाजपा की। और चलिए अब इसके साथ साथ मैं भी समर्थन कर रहा हूँ और मैं राहुल सिद्धार्थ जी को भी कहता हूँ, या इन्होंने कहा कि CPIML भी समर्थन कर रही, ये CPIML की मांग नहीं। चलिए मैं अब अंतिम कहिए तो अंतिम दौर में हूँ। अजय सिंह जी, हम इस पर रामशरण, महेंद्र जी इस पर रामशरण जोशी जी का भी की प्रतिक्रिया ली जाए, हम लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि नहीं अगर कोई समय नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ा जा सकता है। नहीं नहीं, आप तो रखिए अगर कुछ नहीं। मैं तो एक एक तो एक जब शुरू में शशिकांत जी ने जो बात कही मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ, लगभग ये दुधारी तलवार है। लेकिन मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा और वो हमको याद रखना जरूरी है कि खैर ये जो सर्वे जो हो रहा है, जनगणना हो रही है, इसका एक दबाव तो केंद्र पर पड़ेगा और जाहिर है कि जो प्रेजेंट रूलिंग डिस्पेंसेशन है वो इसका मिसयूज करेगा। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका पूरा आधार ही इस धर्म के आधार पर और एक विराट धर्म की हिंदू के आधार पर, जाहिर है कि वो इसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन मैं यहाँ दूसरा एक चीज जोड़ रहा हूँ कि हमें, मुझे जो लग रहा है कि अब एक नव सवर्णवाद तेजी से सामने आ रहा है। मैं यहाँ ब्राह्मणवाद की बात नहीं कर, नव सवर्णवाद, पिछले जो 30 साल के अंदर जो नई फोर्स सोशल फोर्सेज सामने आई हैं और खासकर बिहार में और पूर्वी यूपी में, तो उन्होंने उनमें एक नई तरह कॉन्ट्रडिक्शन सामने आए हैं। यानी और वो कॉन्ट्रडिक्शन ऐसे हैं कि अब जो मेन कॉन्ट्रडिक्शन है वो दलित वर्सेज ओबीसी होगा और ये जो एक सेक्शन जो है वो जो कॉप्ट हो गया है अब वो, तो मैं इसको ब्रॉडर फ्रेम में देख रहा हूँ नवसमणवाद। तो ये जो जाति जनगणना हो रही है इसका फायदा निश्चित रूप से दोनों ही ढंग से होगा। हो सकता है अगर ईमानदारी, अगर राजनीतिक दल ईमानदार रहे तो क्वालिटेटिव चेंज आएगा हिंदुस्तान की राजनीति में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 49 हो गया है, तो इसको दो परिणाम सामने आ सकते। जी जी, आखिरी दौर में मैं सवाल एक लेना चाह रहा, नहीं ले पाऊंगा, लेकिन हम हार्दिक पटेल वाला मसला, एक हार्दिक पटेल शामिल हुए हैं आज बीजेपी में कांग्रेस से, अश्विन अग्रवाल हैं। अश्विन अग्रवाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार सर, बताइए। हाँ जी सर, आज आप वहाँ मौजूद थे साथ जब हार्दिक पटेल शामिल हुए, तो वहाँ की रिपोर्ट दीजिए हमको, क्या हुआ, आपने क्या देखा और क्या उन्होंने? बिल्कुल हाँ बिल्कुल, हार्दिक पटेल जिस तरह का आज वो समुदाय को लेके, आरक्षण की मांग को लेके जिस तरह का मुद्दा उठा के समाज के नाम पे आज जुड़े थे, लेकिन वही समाज के जो युवा है उनका आज बॉयकट कर रहे हैं, काफी उनको विरोध भी दिख रहा है। लेकिन जिस तरह का कांग्रेस के अंदर उनको एक कार्यकारी प्रमुख के प्रेसिडेंट के तौर पर उनको यहाँ पे नियुक्ति की गई थी, लेकिन यहाँ पे एक कमांडर में एक सैनिक के तौर पर उनको शामिल किया गया है, इस तरह का एक पूरा माहौल चित्र वहां पे खड़ा नजर आ रहा था। लेकिन साथ साथ ये भी इसमें महत्व की घटना ये देखने मिली कि जो साथ में
2017 में जो श्वेता भट्ट करके एक वो कांग्रेस की महिला कांग्रेस की थी जो चुनाव लड़ी थी 2017 में मणिनगर, जहां नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री भी पहले वहां से कॉन्टेस्टेशन कर चुके थे, लेकिन आज उन्होंने हार्दिक पटेल के साथ मंच पे साझा करने से वो डिनाई कर दिया था, इनकार करा था, लेकिन ये घटना भी काफी सुर्खियों बटोरी है। लेकिन बड़ी बात ये देखने में मिली है कि जिस तरह का उन्होंने जनरल डायर लेके प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह की बातें की थी उसको लेके हार्दिक का छोटा कर दिया जाएगा क्या, उसको एक साइलेंट मोड पे ला दिया गया। अब आने वाला समय ही इसमें बता सकता है कि इसमें क्या मुद्दा रहेगा इसको लेके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हार्दिक वहां शामिल हुए, लेकिन उसके साथ ही सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं कि तमाम तरह के जो है मीम्स आ रहे हैं। उसमें एक इनका बयान था कि गुजरात में उसी को आगे बढ़ाया जाता है जो अमित शाह की जूती बनने के लिए तैयार रहता है। तो लोग कह रहे हैं तो क्या हार्दिक पटेल ने जूती बनने की मतलब तैयारी कर ली है। और इसी तरह के और मीम चल रहा है जिसमें कि उनको जो है कुछ इसी तरह की बात, सिपाही बन के गए हैं वहाँ, जबकि यहाँ कहा जा रहा है कार्यकारी अध्यक्ष थे। तो अब क्या सिपाही बनने के लिए हार्दिक पटेल जो है बीजेपी ज्वाइन किए। तो लेकिन हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण आ रहा है कि सुबह का जो है देशद्रोही शाम को अगर बीजेपी में शामिल हो जाए तो देशभक्त हो जाता है। वो पहले बोले थे और आज इनके ऊपर लागू हो रहा है। तो कई जो है मीम्स जो है हार्दिक पटेल के खिलाफ चल रहे हैं। जेपी सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, हार्दिक पटेल पर मेरा ये कहना है कि ये हार्दिक पटेल शामिल हुए ये महत्वपूर्ण नहीं है। मोदी और शाह ने हार्दिक पटेल को इसके बावजूद लिया कि उन्होंने उनको पानी पी पी के गालियां बक्की थी। तो आप इससे सोचिए कि ये दोनों गुरु चेला कितने मजबूर है कि उनको गाली देने वालों को अपने साथ रखना पड़ रहा है, जबकि उनके बारे में मशहूर है कि अगर कोई किसी ने जो है प्रधानमंत्री की और शाह की आलोचना की तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और दूसरा बिहार के दूसरा बिहार के बारे में एक शब्द कहना था मुझे, जातिवाद आज की डेट की नग्न सच्चाई है। तो अगर जातिवादी गणना होती है तो इसको स्पोर्टिंगली लेना चाहिए। बिल्कुल अगिल साहब, आप समाप्त कर दीजिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। जातिवाद हिंदूवाद का हिस्सा है, कोई भी हिंदू नहीं हो सकता बिना जाति के साथ। हिंदू होना मतलब जात होना साथ में। तो जातिवादी अगर जनगणना की जाए, जनगणना नहीं हुई है, गणना हो रही है। उन्होंने क्लियर किया है कि हम जनगणना नहीं कर रहे, हम गणना कर रहे हैं, सिर्फ गिनती कर रहे हैं। तो अगर वो गिनती होती है तो उसमें अगर फिगर कुछ आते हैं तो उसका अगर उस फिगर के आधार पर इम्प्लीमेंटेशन होता आगे तो कुछ फ़ायदा होगा। कम से कम जो वंचित जातियाँ हैं उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि वंचित जातियों का संख्या बढ़ने की ज़्यादा चांस है। जो समृद्ध जातियाँ हैं उनमें जनसंख्या वृद्धि कम होगी, तो दूसरी जातियों में जो वृद्धि हुई है उसका फ़ायदा अगर रिजर्वेशन में कुछ हद तक मिले वो होगा। पर ये है कि अक्सर क्या हो रहा है कि ये इस्तेमाल जो होता है जाति का इस्तेमाल पॉलिटिकली किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करी जा रही है, मगर उसका जब इकोनॉमिक और बाकी एरिया सोशल पार्टिसिपेशन की बात होती है वहाँ उनको माइनस कर दिया जाता है, वहाँ पर पूरा लाभ नहीं मिलता। जैसे क्या है कि बता रहे थे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कितने रिजर्वेशन वाले जॉब खाली पड़े हैं, अभी तक उनको पता नहीं जा रहा। म्यूट कर लीजिए, किसके यहाँ से आ रहा जी? तो ये है कि अपने आप में जाति को लेकर क्रांति नहीं हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। ये आइडेंटिटी पॉलिसी, आइडेंटिटी का मतलब है कि आपका आइडेंटिटी खत्म होना। आप अगर बेहतर होते हैं मतलब है जाति को खत्म करना, एनिहिलेशन ऑफ कास्टिज्म। अगर एनिहिलेट नहीं करेंगे तो आप किसी समाज आगे नहीं जाएगा। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है दैट शुड बी द मेन हमारा टारगेट, और उसी को लेकर आगे चलना। 54 पे चला गया है और ये महत्वपूर्ण हमको लगता है। इस पर हम लोगों को सिद्धार्थ जी अलग से एक बातचीत रखनी चाहिए, अलग से बहस होनी चाहिए। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पर एक अलग से बहस होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और है कि देयर इज कास्ट विद इन क्लास, देयर इज क्लास विद इन कास्ट। कास्ट के अंदर भी क्लास है और क्लास के अंदर भी कास्ट है। जी जी, यही तो कह रहा हूं कि 1.5 घंटा इस पर बहस हो अच्छी खासी। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने कोशिश की कुछ खबरों को ले आने का, उसके साथ ही कुछ मुद्दों पर जो खास खबरें थी उन पर बातचीत करने की। कितना सफल हुए मूल्यांकन आप लोग करेंगे, लेकिन
अब हम लोगों को इजाजत दीजिए, उसके पहले मैं अपने सारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आप इसमें हिस्सा लिए, अपना कीमती समय दिए और अच्छी बहस हुई, जो मुझे लग रहा है आप लोग भी शायद ऐसा महसूस किए होंगे। कल हम इसको इसी तरह से जारी रखेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, इसकी कोशिश होगी। श्रोताओं और दर्शकों को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, जनचौक की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर 7 बजे मिलते हैं इसी स्थान पर इसी समय। धन्यवाद, नमस्कार।